कन्हैया कैसेट के माध्यम से उदल का विवाह यानी नरवलगढ़ की लड़ाई आप लोगों की सेवा में आपका सेवक आल्हा सम्राट बिंदादिन शास्त्री हमारे साथ में ढोलक में जो साथ दे रहे हैं श्री छोटे लाल तथा क्लानेट पे साथ दे रहे हैं श्री किशोरी लाल जी झीके पे साथ दे रहे हैं श्री रजोल कुमार जी तथा जोड़ी मंजीरे पे साथ दे रहे हैं चंद्रिका प्रसाद जी आप लोगों की सेवा में हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों के प्रसंग अत्यंत पसंद आएगा। सरस्वती वंदन करूं धरूं चरण परमात बार बार विनती करूं जोड़ों दोनों हाथ जोड़ों दोनों हाथ सुनो जगदम्ब भवानी देहु मोहि वरदान शारदा मई हर वाली शास्त्री कहे पुकारी हाथ लई सुमन कमाला अब धरो शीस पर हाथ आज हम गईबे आला आओ शारदा अरे माई बाई हर की और ढोलक में बिरा जो आए जननी देर लगइयो नाय ललिता देवी नी मुसार की मेरे कंठ बिराजो आए कोई घरी जे मरी
पहले मतलब दियो बताए, बिना बताए आगे बढ़ी हो तो भाला पीठ पार हो जाए। साला इतना प्यारा होता है तो महाराज ने जब साले को देखा तो बोले आओ आओ अरे उड़ाई वाले बैठो जरा हमारे पास। अरे तू करी कलैया अब माही लगे अपने बगल लिया बैठाए। बोलत बाहिल तब ना
नौ राजा परिमाल अब ही आए रहन दिल्ली से जहाँ पर सात वेद चौहान कहे पिथौरा दिल्ली वाला अब हम मोहबाले बलुटाए जब ते खबर सुना महो छतिया धड़क धड़क रह जाए खटका हमरे बहुजी राम जी जा सुनो राजा परिवार बीरा लगा कर कलश में रखवा दो और 1,25,000 की चीरा कलंगी और ढाल तलवार रखवा दो और ये कह दो हुए बहादुर जो बंगला में तो ये 5 वाले और काबुल से घोड़ा खरीद लावे। जैसे काबुल का नाम सुना है तो जितने छत्री दरबार में बैठे हैं सब नीचे की ओर देख रहे हैं। कोई चितवत है धरती को कोई अंबर और निहारत है नहीं बात चीत कछु होती है बस सनाय सन दिखावत है। महाराज के धड़कन तेज हुई क्योंकि
की पान कलश पर सूख रहा। महाराज ने जोर से आवाज लगाई, बोले अरे हम तो जाने मर्द मोहबाना लेकिन डटी है मेरी आजारी। अरे भय बदनामी अब मोहबे कहे कटी गए नाग चंदेला प्यार। साज हो रही है, कैसी साज? मोजा है मजबूत जाऊ पहरे जूता और बगल बक सुहालाग पैर पकड़े मजबूता कानन कुंडल पड़े गले बैजंती माला सिर पर कुड़ी उंधाए टोप गर्दन तक आला झीलम बकतर बदन पे और सुंदर लागे गात बताल कहे विक्रम सुनो बघऊ दल की साज। आज उदल तैयार हो गया है,
और ढेबा को लेकर के काबुल के लिए घोड़ा खरीदने के लिए चले हैं। कैसे? उदल देरे लगावे ना लेके घोड़ा चला चलिबा।
घोड़वा के जनाना बाग में घोड़ा फंदा दिया है। उस जमाने में राजा महाराजा अपनी बेटी के लिए उपवन बनवाया करते थे कि वहां पर हमारी बेटी और उनकी सहेलियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। उदल ने उसी बगीचे में घोड़ा को फंदा दिया। जब घोड़ा अंदर को गया तो बगीचे का रखवाला माली दौड़ाया, बोला एक बोला माली तब उदल दे, अरे सुन ले घोड़े के असवार, अरे बाग जनाना यो फूलवा का काहे पे घोड़ा लायो फंदाए। उदल को जब ऐसी बात माली ने कहा तो उदल ने जवाब दिया, भैया हम परदेसी बड़ी दूर दे कछु जाना नहीं हाल होदार, अरे पाच असर फिर लई बघूदल और मालिक दिया पक राय। जैसे मालिक को दिया है, विचार करना लोगों कि अरे दुनिया लालची, अरे है पैसा का, पैसा करत सरगमा।